नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। देश में कोरोना के कुल मामले 60 लाख के पार पहुंचे, अब तक 95,000 से ज्यादा की मौत। राजस्थान, डूंगरपुर का शिक्षक भर्ती प्रकरण गहलोत सरकार के लिए एक नई चुनौती। बेपरवाह पीएम, न किसान और न ही देश की परवाह। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 28 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 82,170 नए मामले दर्ज किए गए और बीते दिन कोरोना से 1,039 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 74,893 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 60,74,702 हो गई है, जिनमें से अब तक 95,542 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में 0.11% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 82.58% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से अब तक 50,16,520 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 9,62,640 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,19,67,230 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 7,09,394 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती 2018 के अनारक्षित पदों को आरक्षित करने की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन उग्र होने के बाद गहलोत सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। एक ओर राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसी बीच बड़ी संख्या में पुलिस और प्रदर्शनकारी भी सड़कों पर हैं। विपक्ष सरकार पर भी हमलावर है, तो वहीं प्रदर्शनकारी भी अपनी मांगों की सुनवाई बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्थानीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक राजस्थान के डूंगरपुर की काकरी डूंगरी पहाड़ी में 7 सितंबर से शिक्षक भर्ती यानी रीट परीक्षा 2018 के अनारक्षित 1,167 पदों को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरने की मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल रीट परीक्षा राजस्थान राज्य के भीतर शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इसी के तहत तृतीय श्रेणी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी, जिनमें जनजाति बहुल क्षेत्र में रिक्त रहे सामान्य वर्ग के पदों को अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग आदिवासी समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया था। कोरोना महामारी के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रदर्शन खत्म करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते बिछीवाड़ा पुलिस ने कोविड महामारी के नियम को तोड़ने और गैर जमानती धारा में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क उठा। खोज खबर के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने मोदी सरकार के 3 नए कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी किसानों की हुंकार को ऐतिहासिक बताया। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनात्मक टिप्पणी के अलावा शाहीन बाग की नानी दादी बिकलिस की एंट्री के मायनों पर चर्चा की। साथ ही कैग द्वारा GST के केंद्र सरकार की तीखी आलोचना पर भी बात की। देश की मिट्टी खतरे में है और इसे बचाने वाले सड़कों पर हैं। देश के संसाधन खतरे में हैं और इसे अपने श्रम से चमकाने वाले सड़कों पर हैं। और मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, शायद इसलिए बहुत अहम है कि इसने बिल्कुल अलग ढंग की मोर्चेबंदी गोलबंदी से देश को नवाजा है। 25 सितंबर को जिस तरह का नज़ारा हमने चारों तरफ देखा, दावा किया जा रहा है कि 1,00,000 के करीब देश में बड़े और छोटे प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, और ये सारे विरोध मोदी सरकार से यह अपील करने के लिए हुए कि उन्होंने खेती संबंधित 3 जो बिल पारित किए संसद के इस सत्र में, उसे वह तुरंत वापस लें। और आप देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब से लेकर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी एक भी राज्य देश का ऐसा नहीं गया जहां किसान सड़कों पे ना उतरे हों।
और किसानों के समर्थन में वे तमाम लोग जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं वे ना उतरे हों। पूरे देश में अन्नदाता सड़कों पे उतरे और मोदी सरकार के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे लोगों को बताने की कोशिश करने पर उतारू हैं कि यह किसानों के लिए बहुत अच्छा है। किसान बेचारे इस देश के इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मोदी सरकार उनका भला करना चाह रहे हैं। किसानों ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, मुट्ठी बांधकर ऐलान किया, सारा कुछ उन्होंने 25 तारीख से करना शुरू किया और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आप यह जो 3 बिल लाए हैं यह देश के किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं। आपके जो दोस्त हैं, जो बड़ी पूंजी है, जो याराना पूंजीपति हैं, वे सब इस देश की मिट्टी का दोहन करने पर उतारू हैं। और कम से कम एक बात बहुत साफ हुई, अभी आप देखेंगे कि भी किस तरह से किसान खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा खेती हम करते हैं। किसी भी किसान संगठन ने, किसी भी किसान यूनियन ने, मजदूर यूनियन ने एक बार भी इन बिलों में जो जो चीजें हैं, ये जो कानून बना है इनमें जो जो चीजें हैं उसकी मांग नहीं की, जिसको लेकर वे मांग करते रहे हैं कि कर्ज मुक्त हो, खेती और किसानी को फलने और फूलने दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा पूंजी आए यहाँ पर, किसान खुशहाल हो। उन मांगों को सिरे से नजरअंदाज किया है मोदी सरकार ने। इसी दौरान 25 तारीख को दिखाई दिया और यह जो वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इससे यह पता चलता है कि किस तरह से भाजपा समर्थित संगठन किसानों की आवाज को दबाने के लिए लाठी और डंडों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह बिहार से आया हुआ वीडियो है, यह वीडियो आप देखें और सभी को देखना चाहिए कि किस तरह से जो हमारे कानून, हमारे संविधान के हिसाब से अधिकार मिला हुआ है प्रोटेस्ट का, जब किसान आंदोलन करने उतरे, पुलिस की मौजूदगी में उन पर लाठियां बरसाई गईं, मोदी के जयकारे लगाए गए, पुलिस वहां पे मौजूद रही। ये वही बिहार है जहां इसी तारीख को, 25 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई है। 25 तारीख को किसानों के आंदोलन की खबरों को दबाने के लिए क्या कुछ किया गया, इस बारे में बहुत सी खबरें हमारे सामने आई हैं। उन खबरों में विस्तार से न जाते हुए बस यहां पर आपसे हम यह शेयर करना चाहते हैं कि किसान इस गोदी मीडिया के बारे में भी खुलकर बोल रहा है और जमकर बोल रहा है। एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली किसानों के इस आक्रोश के संदर्भ में कि सोशल मीडिया पर एक जो सेक्शन है, जो भक्त सेक्शन आप कह सकते हैं, मिडिल क्लास का सेक्शन है, अलग अलग आप नाम दे दीजिए, वह लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे थे और बिचारों की मजबूरी भी थी कि किसान देश के अनपढ़ हैं, उन्हें पता नहीं कैसे खेती की जाती है, कैसे गुलामी से मुक्ति मिलती है और मोदी सरकार के यह बिल बड़े क्रांतिकारी हैं। अब दिक्कत ये हुई कि इनके समर्थन में एक भी किसान संगठन उतरा नहीं। और सवाल सिर्फ इन 3 कानूनों का नहीं है, सवाल यह है कि 2014 से 2016 तक के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, कुछ खबरें इसकी प्रकाशित हुई हैं,
उनसे पता चलता है कि सिर्फ 14 से लेकर 16 के बीच, जो कि बहुत सुनहरा काल मोदी सरकार का बताया जाता है, उस दौरान ही किसानों का गुस्सा, किसानों की नाराजगी, उनके विरोध प्रदर्शन में 700% वृद्धि हुई। यानी करीब 5,000 के करीब प्रोटेस्ट देश भर में दर्ज किए गए। और अगर ये जो अभी दावा किया जा रहा है कि इन कानूनों के खिलाफ 1,00,000 जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, हर एक राज्य में प्रोटेस्ट हुआ, छोटे छोटे कस्बों में प्रोटेस्ट हुआ, छोटे छोटे गांव में प्रोटेस्ट हुआ, तो इससे एक बात साफ है कि जब से मोदी सरकार आई है, चाहे उसका पहला टर्म हो चाहे दूसरा टर्म, उसे देश के किसानों की परवाह नहीं रही है। और इस बारे में जिस तरह की मीडिया की कवरेज रही, इससे भी ऐसा नहीं कि किसानों को पता नहीं था। आप देखिए, यह हरियाणा के जो किसान हैं, ये खुलेआम कैसे कह रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हमें आप नहीं दिखाएंगे। आप एक जब बॉलीवुड का एक्टर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तब आप लगातार कवरेज करते रहते हैं। और यहाँ हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन यह जो महान मीडिया और जो मीडिया का पूरा कारपोरेट तंत्र है, यह कभी किसी एक सिने एक्ट्रेस के पीछे भागता है, कभी दूसरी सिने एक्ट्रेस के पीछे भागता है। लेकिन शायद इस समय, इस मुकाम पर देश का किसान यह समझ रहा है कि उसे इस मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है। टाइम मैगजीन ने, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैगजीन है, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। इसमें भक्तों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उन्होंने शायद यह नहीं पढ़ा कि उस मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा गया है। हम चाहते हैं कि आप ज़रूर देखें। हम इसका हिंदी तर्जुमा आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और शख्स जिनको एंट्री मिली है, और इसका श्रेय भी 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, यह हैं नानी दादी बिल्किस। जी हाँ, शाहीन बाग वाली बिल्किस, इनको भी टाइम मैगजीन ने 100 लोगों की सूची में शामिल किया है, और माना है कि इनका प्रभाव दुनिया में पड़ा है। और बिल्किस की वजह यहाँ पहुँचने की 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन कानून है, जिसके खिलाफ शाहीन बाग में 2019 में एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया भारत की मुस्लिम महिलाओं ने। मुस्लिम महिलाओं में जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, जिसमें बिल्किस एक बहुत अहम चेहरा बनी, वह शामिल थीं। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, और उन्होंने सीधे सीधे ऐलान किया था कि यह मिट्टी हमारी है, यह वतन हमारा है। और उस आंदोलन की बदौलत, उस आंदोलन ने जो इम्पैक्ट पैदा किया, जो असर पैदा किया, उसको पूरी दुनिया ने सुना और समझा। और शायद पहली बार ऐसा हुआ मोदी सरकार आने के बाद कि किसी आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज़बरदस्त गूंज हुई। और इन दोनों के बारे में जो कहा गया, वह पढ़ा जाना, सुना जाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ सवाल सिर्फ किसानों या मजदूरों की नाराज़गी का ही नहीं है, यहाँ सवाल उस संस्था की भी नाराज़गी का है, उस संस्था की जो आपत्ति उसने जताई उसका भी है, जो देश की तमाम सरकारों का बही खाता देखती है, देखती है कि वह सही ढंग से खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसे कैग कहा जाता है। कैग की जो अभी रिपोर्ट आई है, जो संसद में रखी गई, हालांकि बहुत सी रिपोर्ट संसद तक नहीं पहुँच पाई, इस कैग की रिपोर्ट को देखा जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी सीधी सीधी चोट भारत के जो संघीय ढांचे है उस पर पड़ती है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.